ने हर एक वस्तु पर जीएसटी लगाकर आम नागरिकों का जीना हराम किया हुआ है। देश की हर एक संपदा को बेचा जा रहा है और अब सरकार नागरिकों को तिरंगा भी खरीदने लगा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वे बताना चाहते हैं कि अगर वे सच्चे देशभक्त हैं तो नागरिकों को तिरंगा निःशुल्क दे और सबसे पहले नागपुर के संघ कार्यालय पर तिरंगा फहराए। बंसोड ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार तो अब तिरंगे का भी व्यापार करने लगी है। सरकार अगर नागरिकों को मुफ्त में तिरंगा नहीं दे सकती तो उन्हें कहीं से भी तिरंगा खरीदने की छूट दी जाए, ना कि सख्ती से 35 रुपए में बेचा जाए। बंसोड ने नागरिकों से आह्वान किया कि कोई भी नागरिक 35 रुपए देकर तिरंगा खरीदी ना करे। वे तिरोड़ा में कांग्रेस आपके द्वार इस कार्यक्रम के शुभारम्भ अवसर पर बोल रहे थे। स्थानीय प्रेम बंधन लॉन में सोमवार 25 जुलाई को देवरी आमगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक सहेशराम कोरोटे, पदवीधर मतदार संघ के विधायक अभिजीत बंजारी, पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष दिलीप बंसोड, तालुका अध्यक्ष राधेलाल पटले, शहर अध्यक्ष धमेंद्र चौहान, सलाम शेख आदि मान्यवरों की प्रमुख उपस्थिति में कांग्रेस आपके द्वार इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में बोलते हुए विधायक अभिजीत वंजारी ने भी भाजपा की नीतियों की कड़ी भर्त्सना की। उद्घाटक के रूप में बोलते हुए विधायक सहसराम कोरोटे ने तिरोड़ा शहर की समस्याओं को सुलझाने के लिए हर स्तर पर सहायता का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए विधायक कोरोटे, विधायक अभिजीत वंजारी, पूर्व विधायक दिलीप बंसोड़ ने सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ महात्मा फूले वार्ड के नागरिकों से मिलकर उनके घर कुल की जरूरतों से संबंधित समस्याएं सुनी। उनके जीर्ण शीर्ण मकानों में जाकर मकानों की स्थिति देखी। वहां के नागरिकों को जल्द ही घर कुल योजना के लाभ दिलाने का आश्वासन भी दिया। यहाँ अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन माणिक झंझाड़ ने एवं भूपेंद्र सिंह बेस ने आभार व्यक्त किया। पैसे कमवण्या साठी तिरंगा विकत आहेत का? तिरंगा हा राष्ट्रीय ध्वज आहे, त्या राष्ट्रीय ध्वजाची किंमत 35 रुपये आहे का? जेव्हा 35 रुपयाला एक तिरंगा ध्वज जर विक्री होत असेल, या देशाच्या तिरंगाला विक्री करण्याचं काम केंद्र सरकारनं सुरुवात केलं का? ते तर सूडबुद्धी नाही काय। नॅशनल हेराल्ड हा याच्यापूर्वी चौकशी झालेली होती आणि त्या चौकशीमध्ये त्यांना क्लीन चिट सुद्धा होती, पण आज काय कुठं ना कुठं त्रास देण्यासाठी आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यामध्ये गलत मेसेज गेलं पाहिजे ह्यासाठी मला ते करू। तिरोडा से BCN न्यूज के लिए स्वप्नील सहारे की रिपोर्ट।